उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 8 महीने का मासूम बच्चा बाल्टी के पानी में गिर गया। माँ मासूम के लिए दूध लेने के लिए गई थी और वह बच्ची को बाल्टी के पानी में डूबते हुए नहीं देख पाई। जब माँ की नज़र पड़ी तो बाल्टी के पानी में उसके कलेजे का टुकड़ा था। माँ बाप उसे लेकर आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ डॉक्टर से बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घर में बेटे को अकेला छोड़कर माँ उसके लिए दूध लेने के लिए गई थी। आने में उसे थोड़ी देर हुई। जब घर लौटी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके 8 महीने का पानी की बाल्टी में डूबा हुआ था और जब उसे बाहर निकाला तो शरीर में कोई उसकी हलचल नहीं थी। माँ बाप आनन फानन में बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बच्ची की मौत का जिम्मेदार माँ खुद को मान रही है। दरअसल बुधवार को जेके मंदिर के पास काकादेव एरिया में रहने वाली खुशबू अपने 2 बेटों के साथ घर में थी। बड़ा बेटा ओम 2.5 साल का है और छोटा बेटा रियांश अभी 8 महीने का था। खेलते खेलते रियांश को भूख लगी और वह रोने लगा। माँ ने उसे दूध देने का सोचा, देखा घर में दूध खत्म हो गया। दोनों बच्चे को घर में छोड़कर माँ खुशबू दूध लेने के लिए घर से बाहर गई थी, तभी गेट पर किश्त लेने वाला आ गया। उसने खुशबू से तुरंत किश्त देने को कहा। इस पर खुशबू बोली कि मैं अभी आती हूँ। घर के पास ही खुशबू का पति संजय भी था, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। खुशबू पति को बुलाने चली गई। इसके बाद वह दुकान से दूध लेकर घर पहुंची। इस दौरान उसे थोड़ी देर हो गई, तब तक किश्त लेने वाला जा चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा रियांश पानी की बाल्टी में डूबा हुआ था और बड़ा बेटा ओम पास में ही सो रहा था। खुशबू ने तुरंत ही बच्चे को बाल्टी से बाहर निकाला और जोर जोर से चिल्लाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर पति संजय भागता हुआ घर पहुंचा और साथ ही मोहल्ले के लोग भी खुशबू की चीख सुनकर भागते हुए घर पहुंचे। खुशबू ने पूरी बात बताई। पिता संजय मोहल्ले वालों के साथ बेसुध होकर रियांश को हेल्थ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे की जाँच की तो उसकी सांसें थम चुकी थी। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारा पता है गंगानगर बुलंदशहर।